देखो जब आपकी लाइफ में भगवान बहुत बुरा कर रहा होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण जरूर छुपा होता है। इस कहानी के माध्यम से इस कारण को समझना कि किस तरीके से भगवान आपकी लाइफ में जो खराब कर रहे होते हैं ना, वो एक बहुत अच्छे होने का कोई बड़ा कारण छुपा होता है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बार भगवान को उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि भगवान उस समय प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जो कि हमारे अनुकूल होती है या फिर हमारे अपोज में होती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि हम भगवान को बोलते हैं यार मेरे साथ ही भगवान करते हैं ऐसा, मेरे साथ ही गलत हमेशा होता है, मेरे साथ ही भगवान मतलब मेरा ही अच्छा नहीं चाहते, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब वो समय निकल जाता है और एक समय ऐसा आता है जब उसकी सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, उस समय वो भगवान को बोलता है कि वाह मजा आ गया आपने मेरी बात सुन ली। और उस समय क्या होता है कि बाई चांस उसने भगवान से हाँ जोड़ लिए होते हैं कि हाँ आपने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा किया है, प्रसाद बंटवाता है और मंदिरों में जाता है, पैसे चढ़ाता है, लेकिन जब स्थिति भगवान उसकी खराब करते हैं, अब उस केस में वो सारी चीजें छोड़ देता है, वो सब छोड़ देता है, अंडा मांस मछली सब खाना स्टार्ट कर देता है, मंगलवार बुधवार कुछ नहीं देखता, लेकिन वो ये सोचता है कि भगवान जब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो मैं भी नास्तिक बन जाऊंगा। लेकिन जब 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद कुछ उसके साथ बहुत अच्छा होता है तो बोलता है वाह भगवान सुन लिया आज आपने मेरी। उसके बाद उसकी सारी कहानियां स्टार्ट हो जाती हैं। अब कहानी कैसी कि भगवान को पैसा चढ़ाएगा, भगवान के पास दान मंदिरों में पैसा डालेगा और साथ ही साथ भगवान की पूजा करेगा, जागरण करेगा, कीर्तन करेगा, क्योंकि भगवान ने उसको अच्छा कर लिया। लेकिन जब वो पिछले उस समय को देखता है कि जब भगवान उसके साथ नहीं थे तो उस समय क्यों कोस रहा था। इस कहानी को ध्यान से समझना, इस कहानी में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आज जो भी आपके साथ हो रहा है, जितना भी बहुत गलत हो रहा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है और बहुत अच्छा रीजन है जो कि आज आपको समझ में नहीं आएगा। आप YouTube कर रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, आपके व्यूज नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कोई कारण छुपा हुआ है। आप कोई एक एम की तरफ भाग रहे हैं, उस एम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो आपका कोई दूसरा कारण छुपा हुआ है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। तो एक बार एक शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड था। उस शहर के अंदर उसके कम से कम 10 से 15 मकान बहुत बढ़िया आलिशान, और जिस मकान में वो रह रहा था वो भी बहुत बढ़िया। उस मकान के अंदर 10 नौकर चाकर, पूरी फैमिली रह रही है, उसकी वाइफ, बच्चे, उसके पेरेंट्स, सब कोई, उसकी लाइफ परिपूर्ण थी, एकदम बढ़िया मस्त मस्त चल रही थी। कोई जरूरत नहीं थी किसी चीज से उसको भगवान से हाथ जोड़ने की या कुछ भी, तो वो इसी तरीके का रिएक्शन दिखाता था कि ठीक है जी। और भगवान को ऐसा नहीं है वो मानता नहीं था, भगवान को बहुत मानता था, भगवान की पूजा भी बहुत कर, लेकिन किसी कारणवश भगवान ने जब ये वाला फेस उसको दिखाया, उससे पहले उसको इससे गंदा फेस उन्होंने दिखाया था, तो उस समय से भगवान से वो थोड़ा सा चिड़ा बैठा था कि भगवान मेरी सुनते नहीं। तो अब हुआ क्या कि एक दिन कि शाम अपना फैक्ट्री को क्लोज करके, अपना मतलब जो भी काम हम कंप्लीट करके, वो अपने घर की तरफ जाता है। अब घर की तरफ पहुंचता है, अब देखता है जैसे घर में एंट्री करता है तो वहां के सारे घर के मेंबर, नौकर चाकर सब एक पूजा में मस्त मग्न होते हैं, और उस पूजा को देख के थोड़ा सा वो इग्नोरेंस दिखाता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब रूम में जब जाता है ना, तो पीछे से इंस्ट्रक्शन देता हुआ जाता है कि मेरे रूम में एक कॉफी भेजी जाए। अब भाई जब मालिक है वो घर का, तो भाई हो सकता है भगवान को भी एक मिनट के लिए छोड़ दे कि ठीक है भगवान जी भी आ रहे हैं, पहले साहब को, हमारे मालिक को हमें कॉफी दे। ऐसे कि बोलते नहीं है लेकिन मन में तो ऑब्वियसली यही होता है, बढ़िया बंदा जा करके एकदम बढ़िया सी कॉफी बना करके उसके रूम में देता है। और उसके मन में उस दिन बेचैनी चल रही थी, क्योंकि और जो परिवार वाले थे उनको भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, क्योंकि नॉर्मली ये रात को 10, 11, 12 बजे ऐसे आते हैं, उस दिन शाम को ठीक 7 बजे पहुंच गए। और जब सब पूजा वगैरह सब समाप्त हो गई, सब बढ़िया काम हो गया, उसके बाद उसकी वाइफ जाती है कि भाई आज कैसे जल्दी आ गए, तो उसने बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो भाई ठीक है जी, अब उसने कॉफी पी, थोड़ा सा वो जो बेचैनी थी थोड़ी सी और बढ़ने लगी। अब उसको लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, और उसने सभी नौकरों को, अपने फैमिली मेंबर्स को आगाह किया कि फटाफट 10 से 15 डॉक्टर बुलवाए और मेरे को देखना है कि दिक्कत क्या हो रही है। अब होता क्या है कि 10 से 12 जो डॉक्टर उसके सारे घर में आ जाते हैं और उसको चेकअप वगैरह करते हैं, और जब चेकअप करते हैं तो बोलते हैं ऐसा कुछ हमें दिखाई दिया नहीं,
हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो काम का, इस वजह से आपको बेचैनी फील हो रही हो, लेकिन वो बोल रहा है कि जी नहीं कुछ तो दिक्कत है क्योंकि मैं परेशान हूं, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है और मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है लाइफ में। तो डॉक्टर बोलते हैं भाई कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप ये नींद की गोली लो, दो नींद की गोली खाओ, अपना आराम से सो जाओगे, सुबह मस्त उठोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो वो बोलता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है जी, वो बोलता है कि भाई दो डॉक्टर मुझे यहीं पर ही चाहिए, जब तक मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील ना करूं तब तक वो यहीं रहे। ठीक है जी, बाकी डॉक्टर चले जाते हैं, दो डॉक्टर जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो वहीं रहते हैं। और अब भाई पैसा है, पैसा तो देगा क्योंकि जब अच्छा खासा पैसे वाला इंसान है तो पैसा भी देगा डॉक्टर को। ठीक है जी, वो बैठते हैं। अब वो देखता है कि यार डॉक्टर्स मना कर रहे हैं कि मेरे साथ तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन फिर भी बेचैनी क्यों हो रही है। अब होता क्या है, इस उधेड़ बुन में रात के 3 बज जाते हैं। अब 3 तो बज जाते हैं, अब वो अपने रूम से बाहर निकल के वो सोचता है कि चलो बाहर खुली हवा में चलते, क्या पता कुछ ऐसी गर्मी सी फील हो रही, थोड़ा गर्मी का माहौल था ही। और वो वॉक करने लग गया, चलते चलते और वो मतलब सुबह के 4:30 बज गए। अब वो जा करके थोड़ी सी बहुत दूर निकल के आ गया और वो उसने देखा कि थोड़ा सा हल्का सा उजाला स्टार्ट हुआ और वहां पे उसने कहीं चौतरा देखा और वहां पे जाकर के बैठ गया। हवा बहुत ठंडी चल रही थी और थोड़ा उसको फील थोड़ा सा बेटर लग रहा था, लेकिन अभी भी वो बेचैनी चल रही थी उसकी लाइफ में। अब हुआ क्या, वो बैठे रहता सोचता रहता कि ऐसा क्या परेशानी मेरे साथ चल रही है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसी बीच उसी उधेड़बुन में वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है, इसी बीच से बहुत तेज तेज एक लेडीज की रोने की आवाज आ रही होती है। तो अब वो थोड़ा सा बेचैन होता कि भाई ये क्या दिक्कत है। तो वो इधर उधर सब जगह देखता है, देखता है कि उसी साइड कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता और वहीं पर कंस्ट्रक्शन में जहां पे काम चलता है उसी के आसपास ना जो मजदूर लोग होते हैं अपने शेड्स बना लेते हैं और वहीं अपना खाना पीना खाते हैं, वहीं रुकते हैं। तो देखते हैं कि एक शेड में से बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, बाकी सब शेड अपनी क्लोज है, अपना सो रहे हैं सब। तो अब वो सोचता है कि यार मैं जाऊं नहीं जाऊं, लेडीज है। ठीक है, अब जब वो बाहर से थोड़ा जागता तो पता लगता है कि एक लेडीज है और बच्चे के साथ है, बच्चा शायद सो रहा है या क्या है, लेकिन वो रो रही है। अब वो भाई बहुत देर तक सोचता रहता है, करूं नहीं करूं, जाऊं नहीं जाऊं, ऑकवर्ड लगेगा, तो बहुत देर तक सोचता रहता। तो इसी बीच में आधा घंटा निकल जाता है। तो जब उसको इरिटेशन बढ़ जाती है ना, तो वो सीधा जाता है कि मतलब बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों रोए जा रहे हो। तो बोलते मालिक ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक साधु बाबा के पास गई थी 3 दिन पहले और उसने बोला था कि 3 दिन तक तुम्हें सुबह 4 से 5 बजे के बीच में तेज तेज रोना है और इसी बीच में तीसरा दिन जब कंप्लीट होगा तुम्हारी सारी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। अब परेशानी क्या थी, उसने पूछा परेशानी क्या है, कि भाई मेरी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इसको कुछ हॉस्पिटल में एडमिट कराना है और इस वजह से इसको कुछ पैसा लगेगा और पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि इतना पैसा मेरे पास है नहीं। तो अब बात तो सही थी, अब वो थोड़ा ठीक है। अब उसने सिंपल सा बोला कि ठीक है अभी तो तुम रह लो, सुबह 10 बजे ये मेरे कोठी का एड्रेस है और यहाँ पर आ करके अपना मतलब अपनी बेटी को लेके आना और जिस भी हॉस्पिटल में करवाना है वहाँ जाकर के सारा खर्चा मैं दूंगा और तुम्हें अगर काम की जरूरत हो तो तुम काम कर सकते हो, इसी एड्रेस से पहुँच करके काम के लिए पूछना है। अब बात को यहाँ समझना, अब कहानी को यहीं पे स्टॉप करके बात को यहाँ समझना, श्री कृष्ण भगवान किस तरीके से या भगवान जो भगवान होते हैं वो किस तरीके से आपकी परेशानी का सॉल्व करते हैं, अब ध्यान से समझना। 3 दिन पहले या उससे पहले वो औरत कितनी परेशान थी कि भाई ऐसा है वैसा है ये और वो है, ऐसे करते करते तो कहीं ना कहीं उसकी मदद 3रे दिन में हो गई। अब जो वो बिजनेसमैन था जिसको इतनी बेचैनी फील हो रही थी, जब उसने सारा काम बोल दिया कर दिया, अब वो बिल्कुल रिलैक्स था। अब वो जब ये बात करके बाहर निकलता तो भगवान को बोलता है, भगवान आज अब मुझे थोड़ा सही लग रहा है, क्या पता आप ये मेरे हाथों काम करवाना चाह रहे थे तो इसीलिए आपने मुझे इतना बेचैन किया पूरी रात और मैं बहुत परेशान रहा और अब बिल्कुल मैं फाइन एंड फिट फील कर रहा हूं। और जो वो लेडीज थी जो कि 3 दिन से सुबह 4 से 5 बजे के बीच में तेज जोर हो रही थी, उसको ये फील हुआ कि हाँ मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। So, दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ इतनी चीज समझनी है कि जो भी भगवान करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वो कारण हमें उस समय समझ में ना आए, 10 दिन तक समझ में ना आए, 1 महीने तक समझ में ना आए, 1 साल तक समझ में ना आए, लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो उस अच्छे को उस बुरे के साथ जोड़ के देखना, आपको फॉर श्योर लगेगा कि अच्छा हुआ वो बुरा हुआ।
अगर वो बुरा नहीं होता तो आज ये अच्छा भी नहीं होता। सो जो भी भगवान करता है कहीं ना कहीं उसका आपके बुरे के साथ कनेक्शन होता है। तो बुरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो समझ लेना कि बहुत अच्छा होने जा रहा है। सो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाइए। आपको हर रोज एक वीडियो मिलती है और एक वीडियो ही काफी है आपकी जिंदगी को पूरा चेंज करने के लिए। और साथ ही साथ बहुत छोटे छोटे शॉर्ट्स आपको मिलते हैं जो कि आपको 2 या 3 टिप्स में ही आपकी लाइफ को पूरा चेंज करने का मादा रखते हैं। सो जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है।